हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो एक अपडेट आया है री नीट को लेके। सीबीआई की जांच के बाद जो हुआ है उसको लेके एक अपडेट आया है। मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। यह अपडेट 25 जून का है ताकि आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि क्या री नीट होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं जो अपडेट आया है क्या। देखो, इसमें मैं आपको सिंपली छोटे से भाषा में बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीबीआई यानी जो पेपर लीक का मामला है, यहाँ पे 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और सीबीआई का कहना है कि ये जो 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये सिर्फ बच्चों की सेटिंग करवाते थे, यानी कि बच्चों को ले जाना, लेके आना, ठीक है ना, जो गाड़ी में ले जा रहे थे वो यही लोग थे। इन्हीं लोग को क्या किया गया, पकड़ा गया है। बाकी इनकी जो टीम है, इनके पीछे के जो माफिया हैं, जो ये सारा गेम खेल रहे हैं, वो कौन है, इसके पीछे अभी सीबीआई जांच चल रही है। अभी इसके पीछे दो टीम बनाई गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक टीम है वो पटना गई हुई है, दूसरी टीम गोधरा गई है, ठीक ना। और वहाँ पे पुलिस अपना जो भी सीबीआई जो भी मामला दर्ज किया है सब उसको सीबीआई को हैंडओवर दे दिया है, ठीक है ना, ताकि उसी हिसाब से वह सीबीआई अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, सीबीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी एक प्रमुख जांच करेगी, ठीक है। धोखाधड़ी उम्मीदवारों को संस्थाओं और बिचौलियों द्वारा सबूत पूरी तरह से नष्ट करना है। तो यानी कि इस तरीके से जो सीबीआई जांच कर रही है, हमें लग रहा है कि इनके हाथों में ऐसे बहुत सारे सबूत आ रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दिए जाएंगे, ठीक है ना। और आप समझ सकते हो, यहाँ पे सीधा बोला जा रहा है कि जो अपराध किए हैं ना, 305 की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दी जाएगी। और हमें पता ही है, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई है वो 8 जुलाई को होने वाली है, आपको पता है। और यहीं पे जब सीबीआई सब कुछ अपना जो भी जांच रिपोर्ट है जो उसको मिल रहा है नीट पेपर लीक के मामले में, जो भी उसको सबूत मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। बाकी इसके बाद जो भी डिसीजन आएगा, जो भी डिसीजन आए, चाहे री नीट हो या री नीट ना हो, यानी कि पेपर रद्द किया जा सकता है। और हमें जो लग रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो 8 जुलाई को होगा, ठीक है ना, जो भी डिसीजन 8 जुलाई को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है वो यही होगा कि पेपर रद्द किया जाएगा। क्योंकि इतने सारे सबूत को अगर सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पेपर रद्द करने की संभावना ज़्यादा बनती है। बाकी जो भी फैसला है अब वो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, बच्चों के हित के लिए उनको सोच समझ के लेना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक चीज़ ये भी पता होगा, जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसको भी रद्द कर दिया गया है इसी सब वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी पेपर रद्द होने की भी आशंका है, इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें ताकि अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसमें आगे हो सकें, आप अपना अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। इस अपडेट में बस इतना ही। बाकी नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू।